बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर इम्तियाज अली लव आजकल 2 का पार्ट ट्रेलर बिल्कुल लेकर आए हैं, और उसका ट्रेलर लॉन्च भी कर दिया गया है, और ये काफ़ी फैन फॉलोइंग के साथ अच्छा रिस्पॉन्स दे रहा है, और यूट्यूब ट्रेंडिंग में भी आ चुका है ये ट्रेलर। वाह, तो सर बात की जाए तो इसमें सबसे अच्छी बात है कार्तिक आर्यन जो सबसे भी आगे स्टार रेटिंग में चल रहे हैं, और दूसरी है सारा अली खान जो सैफ अली खान की लड़की है जो भी इनकी टॉप ट्रेंडिंग में भी चल रही है आगे बस। और इसके अलावा एक तीसरी बात बता दूं आपको, उसमें एक आरुषि शर्मा है जो नया एक डेब्यू करना चाह रही है बॉलीवुड में, उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट हो। तो उसमें अब बात की जाए तो ये फिल्म एक नए टॉपिक पे आई है, और इसमें जो पहले पार्ट में 2 जोड़ियाँ इनके मिलकर बनाई गई थी, वो 2 जोड़ियाँ ने फिर नए पार्ट में मिलकर इम्तियाज़ अली ने नए ढंग से पेश करने की कोशिश की है। और रही बात तो इसके बैकग्राउंड म्यूज़िक में तो इनका बहुत पुराने आऊँ आऊँ ये गाना बिल्कुल सुनाई दे रहा है, जो पुराने वाले बोल के गाने थे वो जा रहे हैं। लेकिन कहने की बात ये है कि आजकल हर फिल्मों में नए गाने को रिक्रिएट करके बनाए जा रहे हैं, तो क्या फिर नए सिंगर नए लोगों का क्या होगा? कुछ ऐसा भी तो होना चाहिए कि हर फिल्म में एक नया सॉन्ग भी होना चाहिए, या एक प्रमोशन के तौर पर पुराना गाना रिक्रिएट करके बनाना चाहिए, या एक दो गया मिक्स करके डाले तो फिर वो फिल्म का फिर म्यूज़िक बैकग्राउंड फिर वो अलग ही हो जाता है। ये तो फिर हमारा ऑडियंस के ऊपर ही होता है सब कुछ। मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ सर लाइक करें शेयर करें, बिल्कुल नए आए तो सब्सक्राइब बिल्कुल करें। तो इसमें मैं आप बात कर रहे हैं लव आजकल की 2 पी, तो ये फिल्म सारा अली खान की बेहतरीन परफॉर्मेंस में ट्रेलर में देखने को मिल रही है, काफ़ी इनकी हॉट अंदाज इनको देखने को मिल रहा है, वाकई फैन फॉलोइंग को बहुत पसंद आ रहा है। और सही बात कार्तिक आर्यन की तो बहुत बढ़िया मस्त है वो, ये फिल्म सेम उसी एंगल पे 2-2 लव स्टोरी करके एंगल से बनाई गई है। पहला एंगल है ये 2020 का, और दूसरा एंगल है 1990 का एंगल इन्हें बताया गया है, ये इस फिल्म ट्रेलर में खास साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। 14 फरवरी को रिलीज़ हो रही है, ये बहुत बहुत बढ़िया खबर है इसकी। और मेरी एक ये इसमें कंप्लेन रही है आजकल हर बॉलीवुड में कि आजकल जो भी फिल्म आ रही है इसमें नए 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 गानों को छोड़ के पुराने गानों को ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, तो क्या बॉलीवुड में नई क्रिएटिविटी कम हो गई है जो नए नए गाने नहीं गा सकते हैं सिंगर्स वगैरह? ये तो ज़रूरी होना चाहिए मेरे इम्तियाज़ अली से, ये मेरा एक क्वेश्चन है कि आप अगर आप फिल्म बनाए तो उसमें नए गाने भी ज़रूर हों, और उसमें ऑडियंस को भी नया कुछ सुनने को मिले, नया क्रिएटिविटी देखने को मिले। ये बात बिल्कुल सही है, तो आशा करता हूँ मेरे आपको ट्रेलर कर भी बहुत पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल बनाए प्लीज़ लाइक करें शेयर करें। थैंक यू सर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चाहे बॉलीवुड की खबर हो चाहे नेक्स्ट खबर हो। थैंक यू।